जन समस्या समाधान शिविर का दूसरा दिन गया बाई स्कूल तो तीसरे दिन तिलक कन्या स्कूल में शिविर लगाया गया, जिसमें तीन वार्डो से संबंधित लोगों की समस्याएं सुनी गई व शिकायती आवेदन भी लिए गए। दुर्ग निगम क्षेत्र में आयोजित जन समस्या समाधान शिविर के दूसरे दिन गया भाई स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया, जहां वार्ड क्रमांक 3 से 5 तक के लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव व निगम आयुक्त हरीश मंडावे भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में वार्ड के नागरिकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। दूसरे दिन आयोजित जन समस्या समाधान शिविर में कुल 234 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें पेंशन प्रकरण के 10 राशन कार्ड बनाने संबंधित व 206 आवेदन आबादी पट्टे से संबंधित रहे, जिनमें से मौके पर निराकरण करने वाले आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। तो वहीं बुधवार को तीसरे दिन शिक्षक नगर स्थित तिलक कन्या स्कूल में लगाया गया समाधान शिविर, जिसमें वार्ड 6, 7 व 8 के वार्डवासियों की समस्याएं सुनी गई तथा उनके द्वारा किए गए शिकायती आवेदनों का निराकरण जल्द किए जाने के निर्देश दिए गए। स्टॉल पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने आश्वासन दिलाया। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम आयुक्त तो हरीश मंडावी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें जन समस्या निवारण शिविर में जैसे पिछले लास्ट 2 शिविर हुए हैं, उसमें मोस्टली जो है आबादी पट्टे के आवेदन आए हुए हैं, वो सभी जो है उनके आवेदनों को पहले भी हमने सर्वे करके उनको पट्टों को पट्टा नहीं देने कर पात्रता हमने तय किया हुआ है। उसका कारण ये है कि वो तालाब के किनारे आते हैं, तालाब के पार में बसे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसके तहत उनको पट्टा नहीं दिया जा सकता। अभी पुनः आवेदन उनका प्राप्त हुआ है तो उनको हम फिर से विचार करेंगे और उसका दोबारा सर्वे कराएंगे, और यदि ऐसा लगता है कि यदि पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो राजस्व विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर उनको हम पट्टा देने की कार्रवाई करेंगे। उसके अतिरिक्त जो है वो हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, पेंशन के ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिनका खाते में अकाउंट खाते में पैसा चले गया है, लेकिन जब बैंक में जब जाते हैं वो लोग तो उनको बोला जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो चूँकि उनका पिछले 2-3 महीने से पैसा रुका हुआ था, ऐसा उनका शिकायत है, तो यहाँ आते हैं तो हम अभी यहाँ पर लैपटॉप और पूरा सिस्टम लेके बैठे हुए हैं, तत्काल हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि उनके अकाउंट में चले गया और उनको एक पर्ची बना कर देते हैं और उसको लेकर बैंक में जाते हैं तो उनको तत्काल फौरन रूप से पेंशन का लाभ मिल जाता है। उसके अलावा राशन कार्ड में कुछ नाम जुड़ाने के आवेदन आए हुए हैं, कहीं सफाई का आवेदन आया हुआ है, बहुत कम इस आज जो शिविर लगा है उसमें बहुत कम आवेदन आए हैं, मात्र 25 से 30 आवेदन आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि वार्डों में हमारी टीम लगातार घूम रही है, इसी कारण से भी आवेदन कम आ रहे हैं। जो भी समस्या है उसको बहुत जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ हो सकता है हम लोग नहीं जा पाए होंगे, तो वहाँ की वहीं के आवेदन आए हुए हैं उसको हम तत्काल निराकरण करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।